तहसील के सबसे बड़े सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन व कैरियर के प्रति सजग व जागरूक करने के उद्देश्य से कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया इसमें कई विद्वानों ने छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन के साथ ही उनकी कैरियर संबंधी जिज्ञासाओं को शांत किया शनिवार दोपहर स्थानीय हरिफाटक स्थित हाई स्कूल में कक्षा दसवीं व बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसिलिंग रखी गई। इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित विद्वानों ने विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी जानकारी व उनके रुझान अनुसार टिप्स भी दी व उन्हें बताया कि उनका किस विषय पर ध्यान व आकर्षण है साथ ही उन्हें विषयों के चयन को लेकर किस तरह सावधानी रखना है उससे भी अवगत कराया छात्र छात्राओं ने इस मौके पर अपनी जिज्ञासाओं के सवाल जवाब भी विशेषज्ञों के समक्ष रखे जिसका उन्हें तथ्यपूर्ण जवाब भी मिला विद्यालय के प्राचार्य नरेश वर्मा ने बीटीवी न्यूज को बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से खासकर दसवीं के बाद सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करने में विद्यार्थियों को उनके रुझान अनुसार नई दिशा मिलती है जबकि बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए आने वाले प्रायोगिक व प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाओं की नई नई जानकारी मिलती है देश के सबसे प्रमुख सैनिक छावनी के एमसीटी संस्थान में नए कैडेट्स की पासिंग परेड शनिवार को एमसीटी मैदान पर हुई इस मौके पर परेड के साथ ही नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों ने अपना प्रदर्शन भी किया कार्यक्रम में सेना के बैंड की आकर्षक प्रस्तुति व देश प्रेम से धुनों ने मन में देश प्रेम के जज्बे को और अधिक जोश व उत्साह से भर दिया इस मौके पर सेना के वरिष्ठ अफसर मौजूद थे शनिवार को स्थानीय एमसीटी मैदान पर नए कमीशन पाने वाले यंग ऑफिसर की पासिंग परेड हुई जिसकी सलामी आर्मी वॉर कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल पी एस कामत ने ली वो प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों को देश व सेना के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की सीख दी व उन्हें शपथ भी दिलवाई कार्यक्रम में सेना माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट ने प्रदर्शन से सभी को रोमांचित किया इस मौके पर सेना के कोरस सिग्नल्स व बिहार रेजिमेंट के बैंड ने देश प्रेम की एक से बढ़कर एक धुनों से सभी का मन जीत लिया कार्यक्रम में नवागत सैन्य अफसर को सम्मानित भी किया गया इस अफसर पर एम के लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने भी नए कैडेट्स को संबोधित किया व उन्हें देश व सेना के साथ ही सामाजिक जवाबदारियों को भी पूरे कर्तव्य से निभाए जाने की सीख के साथ ही अनुशासन आदि के लिए कुछ टिप्स भी दिए संचालन विंग कमांडर कर्नल विनित भाटिया ने किया इस मौके पर सेना के अनेक वरिष्ठ अधिकारी और परिजन उपस्थित थे प्रदेश के नामी टोल सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही से प्रदेश भर अनेकों जाने जा चुकी है पीतमपुर व घाटा बिल्लोद फोरलेन निर्माण में भी लापरवाही व तकनीकी खामियों के चलते एक और युवक तेज गति से आ रही बस की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई इससे आक्रोशित लोगों ने शव रखकर रोड जाम कर दिया तकरीबन छह घंटे बाद आश्वासनों की छड़ी के बीच चक्का जाम समाप्त कराया गया शनिवार रात बजे के समीप ग्राम बरदारी फाटे पर दुकान लगाने वाला गोपाल पिता मदनलाल वैष्णव दुकान बंद कर पैदल ही अपने घर जा रहा था तभी सामने अंधगति से आ रही एल कंपनी में अटैच बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया मौके पर ही गोपाल की मौत हो गई सुबह तक गांव के लोगों में फोरलेन का निर्माण कर रहे दिलीप बिलकान के खिलाफ इतना गुबार भरा कि वे रविवार सुबह नौ बजे मृतक का शव रोड पर ही रख कर चक्का जाम पर बैठ गए चक्का जाम कर रहे लोगों की मांग थी कि फाटे पर स्पीड ब्रेकर तुरंत बनाया जाए निर्माण कंपनी की लापरवाही से तीन जाने जा चुकी हैं उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए व मृतक के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसे तत्काल मुआवजा दिया जाए करीब चार घंटे तक मौके पर कोई भी जवाबदार अफसर नहीं पहुंचा। इस बीच दोनों और 10-10 किलोमीटर दूर तक वाहनों की कतारें लग गई अंततः एक बजे बाद पुलिस व प्रशासन के साथ ही दिलीप बिलकान के अधिकारी मौके पर पहुंचे व आश्वासन के बाद जैसे तैसे जाम समाप्त करवाया हालांकि रविवार होने के कारण जाम की स्थिति भयावह नहीं बनी घटनास्थल पर तत्काल स्पीड ब्रेकर भी बनवाया गया मध्यप्रदेश शासन द्वारा हाल ही में भवन निर्माण कर्मकारों के लिए योजना लागू की गई है कैंट क्षेत्र में भी इसके पंजीयन के लिए आठों वार्डो में शिविर लगाया गया रविवार सुबह से ही इन शिविरों में पंजीयन कराने वाले भवन निर्माण से जुड़े मिस्त्री व कारीगरों के साथ ही हेल्परों की कतार लग गई शाम तक सैकड़ों लोगों ने अपना पंजीयन करवाया वार्डो में लगे इन शिविरों की जानकारी एस अभिषेक सिंह ने भी ली व कामकारों से बातचीत कर उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया इस मौके पर वार्ड पार्षदों के साथ ही अन्य अफसर व कर्मचारी उपस्थित थे